दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नए नए वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों आज एक मजेदार मुझे सूचना मिली तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति ने आरटीआई से खुलासा किया है कि देश में 9 माह में 2251 रेलगाड़ियां रद्द हो गईं। बीते 9 माह में कुल 2251 रेलगाड़ियां रद्द हो चुकी हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये कि रेलगाड़ियां किस तरह से रद्द हुई हैं, जबकि 5 साल और 9 माह में बहुत से साधारण कामों के चलते 6531 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया। यह जानकारी रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने 5 दिसंबर 2019 को उपलब्ध कराई। देश में आम आदमी की यात्रा का सबसे बड़ा और कम खर्चीला साधन रेल ही है और इसका लगातार विस्तार भी हो रहा है, मगर इसके कार्य प्रणाली भी अजीब होती जा रही है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जो साधारण काम होते हैं यानी मेंटेनेंस के काम होते हैं उनकी वजह से साल दर साल जो ट्रेनें निरस्त हो रही हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा गाड़ियां बीते 9 माह में रद्द हुई। इस अवधि में 2251 गाड़ियां रद्द हुई। अगर इसे पूरे साल में परिवर्तित कर दे तो यह आंकड़ा करीब 3000 के करीब हो ही जाएगा। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक कार्यकर्ता हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन ही सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं लेते हैं। चंद्रशेखर जी ने रेल मंत्रालय से जानना चाहा कि बीते 5 साल 9 माह में कुल कितनी रेलगाड़ियां निरस्त की गईं। मंत्रालय की ओर से दिए गए ब्यूरो में यह बताया गया कि इस अवधि में रेल लाइंस के उन्नयन, प्लेटफॉर्मों के उन्नयन, इसके अलावा रेल पटरी सहित अन्य मरम्मत कार्य के लिए 6531 गाड़ियां रद्द की गईं। इसमें पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट सभी प्रकार की गाड़ियां शामिल हैं। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इनको लेटर मिला उसमें बताया गया है कि मेंटेनेंस के कार्य के कारण 2014 में कुल 101 ट्रेनें निरस्त हुई, 2015 में 189, 2016 में 294, 2017 में 829, 2018 में रिकॉर्ड 2867 गाड़ियां और 2019 में सितंबर तक 2251 गाड़ियां रद्द हो चुकी हैं। इन्होंने इस आरटीआई में ये भी पूछा था कि मेंटेनेंस के चलते जो ये ट्रेनें रद्द हुई हैं वो किस तरह की हैं, लेकिन इसका जवाब अभी नहीं मिला। रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि निरस्त हुई ट्रेनों के मामले में श्रेणीवार श्रेणियों गाड़ियों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। आशा यह है कि पैसेंजर सहित अन्य श्रेणी की कितनी गाड़ियां रद्द हुई इसका कोई ब्यौरा सरकार के पास नहीं है, ये भी आश्चर्य की बात है। और सरकार कह रही है कि हम रेलवे को प्रॉफिटेबल बना देंगे, कैसे होगा पता नहीं। दोस्तों ये अजीब बात है कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द हो रही हैं लेकिन हमारे कान पे जूं तक नेत्रहीन नहीं रहा, हम कुछ आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये खबर अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।